तो अभी मैं आमंत्रण करना चाहूँगा प्रथम वक्ता, जो कि मेरे गुरुजी भी है, डॉक्टर सुरेश दत्त अवस्थी सर। सर, मैं सबसे पहले डॉक्टर कट्टीमणि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के 60-62 साल के बाद इस विषय को याद किया जिसे हम गिरती दीवारें बोलते हैं। चाहे कितनी भी असल में कितनी ही तरक्की हो जाए, क्या कुछ नहीं हो रहा है तरक्की के ज़माने में, क्या कुछ नहीं हो रहा है तरक्की के ज़माने में, गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। इस दौर में दखनी को याद करना, जैसे मेरे से पहले मेरे गुरुजी ने, दिलीप सिंह जी ने हिंदी साहित्य के रचनाकारों के संबंध में, शुक्ल जी के संबंध में, बच्चन सिंह के संबंध में, असल में ये लोग जब तारीख हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, उस समय तक उनको मालूम नहीं था, क्योंकि ये फारसी लिपि में लिखा गया है। एक आश्चर्य की बात ये होती है, हमारे यहाँ सबसे पहले फारसी लिपि में सूफी काव्य लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर खुतबन मंझन सब, रस्मुल ख़त जो है फारसी है, मगर उस भाषा को लिप्यांतरण करने वाले लोगों ने देवनागरी में लिख करके अवधी बनाया। इतनी पुरानी बात को जब वो लोग कर सके तो दखनी को क्यों नहीं कर सके, मेरे समझ में नहीं आया। दखनी का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि साहित्य का इतिहास लिखने वाले ने जब वो लिखते थे उस समय उनको मालूम नहीं हुआ लिप्यांतरण के कारण कि उस काल में लिखी गई। हालांकि उसी रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक, एक काव्य का संपादन किया है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद नूर की है, उसकी भाषा है ब्रज, ब्रज भाषा में है वो मिलता है, अवधि में है वो मिलता है, दखनी में क्यों नहीं मिलता। हालांकि उनके आखिरी समय में कुछ पत्रिकाओं में उन्हीं के द्वारा संपादित कुछ वाक्य भी, कुछ पन्ने भी उन्होंने दखनी के संबंध में लिखे हैं। असल में क्या है कि शब्द के भीतर ही संस्कृति समाई हुई है। हैदराबाद दक्कन बोलते हैं, दक्कन न तो दक्षिण है न जुनूब है, साउथ को फारसी में जुनूब बोलते हैं, हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, ये दोनों नहीं है, दक्कन है। ये जो साझा संस्कृति है हमारी, उसका पहला शब्द है दक्कन, हैदराबाद दक्कन। उस जमाने में हैदराबाद सिंध भी हुआ करता था, नामपली स्टेशन पर भी बोर्ड थे हैदराबाद दक्कन, वो दक्कन से आ गया दखनी, न दक्षिणी आया न जुनूबी आया, दखनी आ गया। दखनी शब्द के भीतर ही दोनों की संस्कृति का समावेश है। यहाँ कभी कभी सोचता हूँ कि लोग कितने बड़े बड़े गलत कारनामे कर देते हैं, असफल हो जाते हैं। मलिक काफूर के बाद जिस शख्स ने दखनी को जन्म दिया, उसका हुक्मरान का नाम है मोहम्मद तुगलक, जिसने 1327 में दिल्ली से पायतख्त को खुल्दाबाद में बदल दिया। खुल्दाबाद में सभी लोग, अवाम भी, साधारण नागरिक भी, ऑफिसर भी दिल्ली से खुल्दाबाद आए।
दो साल के भीतर उन्होंने गलती महसूस की और जाल समेट करके फिर वापस चले गए 1329। मगर जो लोग उनके साथ थे मेरठ से, हरियाणा से, राजस्थान से, अवधी से, ब्रजी से, ये जितने भाषाओं के बोलने वाले थे वो आए, बस गए, यही रह गए, उसके साथ वापस नहीं गए दिल्ली। यही वो लोग हैं जिन्होंने दक्षिणी को जन्म दिया। ये इसका इतिहास ये है कि इसमें बाद में जाकर के दक्षिण की भाषाएं मराठी, तमिल, तेलुगु आदि के कई शब्द भीतर आ गए और ये मिली जुली संस्कृति का, जिसको हम साझा संस्कृति बोलते हैं, एक नया रूप हो गया। जो लोग दक्षिणी उर्दू, दक्षिणी हिंदी, हम पूर्वी को अवधी को अवधी हिंदी नहीं बोलते, ब्रजभाषा हिंदी नहीं बोलते, बुंदेलखंडी हिंदी नहीं बोलते, तो दक्षिणी को दक्षिणी हिंदी क्यों बोलते? भाषा शास्त्र के लोगों ने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बनाया है, इसलिए दक्षिणी हिंदी कर दी। इसका जो साहित्य है वस्तुतः देखा जाए तो 1400 से 1800, 400 साल वहाँ से आए, दौलताबाद से, जो बहमनी का हेड ऑफिस था, बिदर, फिर हो गया बाद में गुलबर्गा। ये महमूद गावा का जो मदरसा है बिदर में, तो बाद में आ गया गुलबर्गा। उसके विघटन के बाद 5 रियासतें हो गईं, आदिलशाही, कुतुबशाही, बरीद शाही, निज़ाम शाही, ये अहमदनगर वालों की। तो इन क्षेत्रों में फैल करके दक्षिणी का काम होने लगा। और ये इतिहास हमको बताता है कि उसमें इन इन भाषाओं के कई शब्द धीरे 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 आ गए। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास बोलचाल की दक्षिणी अलग है, साहित्यिक दक्षिणी अलग है। बोलचाल की हिंदी तो आज भी कड़पा में भी बोली जाती है, कड़पा में भी, शायद इसका एक काव्य भी लिखा गया है, मैं भूल रहा हूँ, उसका मजार भी है वहाँ कड़पा में, चंद्र बदन महियार, वो साझा संस्कृति पर है। एक काव्य की भाषा अलग है बोलने की, जैसे किसी ने एक छोटा सा चुटकुला मैं आपको सुनाऊंगा, दक्षिणी का चुटकुला। दिल्ली से साहब आए हैदराबाद, नामपल्ली से गए, बोले चारमीनार को इधर से रास्ता जाता क्या? बोले हाँ, हाउ हाउ। मौजम जाई के पास आके बोले इधर से जाता क्या चारमीनार? बोले हाउ। आखिर में उस्मानगंज के पास एक शख्स से पूछे, जरा सूचट बूटे दिखा। बोले ऐसा सज्जन दिखता है आदमी। तो बोले ये हाउ क्या होता है? ऐसा है साहब, मामूली बोलचाल में इसको हाउ बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा है जी हाँ बोलता है, तो आप पढ़े लिखे हैं क्या? हाउ। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत बड़े उर्दू के विद्वान ज्ञानचंद जैन, जो कई बरसों हैदराबाद में थे, उनको कभी दक्षिणी बोलते सुना नहीं मैं, कभी नहीं। मेरे बड़े गुरुजी राम निरंजन पांडे, राजकिशोर जी, जिन्होंने दक्षिणी पे काम किया है, कभी बोलते नहीं थे दक्षिणी। यहाँ रह कर के इतने बरसों के बाद भी दक्षिणी उनको आई नहीं। आज कई लोग हैं जो आज भी बोलते हैं, ये बोलचाल की भाषा है। कभी उसमें आपको जैसे मराठी के शब्द हैं नको, होनेच, जानेच, ये एकच प्याला से आया च, नको मराठी से आगा, हाउ हावला, हावला जो है मूल शब्द है, क्या बोलेंगे उसको,
धीरे धीरे हौले हौले चलो, मराठी ब्रजभाषा में है हौले, हौले यानी धीरे, इसको हम बोलते हैं ट्यूबलाइट, देर से समझ में आता, वो है हौला। हौला प्योर दक्कनी शब्द है, अरे वो हौला है, हौला यानी जिसको देर से समझ में आता। ऐसे अनेक शब्दावली, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि दक्कनी की शब्दावली में अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का समावेश है। मैंने एक पुस्तक देखी है डॉक्टर देवी सिंह चौहान की, उस पुस्तक का नाम ही है दक्कनी आणि मराठी, उन लोगों के लिए। तो उसमें हुआ ये कि जो ऐतिहासिक परिवेश है, धीरे धीरे ये पांच रियासतों के बाद अलग अलग, आदिल सबसे ज़्यादा कुतुबशाही में, अभी सुबह में प्रातः में हमारे दिलीप सिंह जी ने जिक्र किया, वो आदमी है जापान का ताकाहाशी अकीरा, और पुस्तक का नाम है सबरस का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण। वार्ष्णेय दिल्ली के प्रोफेसर थे, उनकी एक चिट्ठी लेकर के श्री राम शर्मा जी के पास आया वो, और उसकी दाद दूंगा मैं आपको कि पुस्तक प्रकाशित होने के बाद में एक कापी भी उनको देके गया, भगवान की दया से वो कापी मुझे श्री राम शर्मा ने दी है, ताकाहाशी अकीरा, भाषा विज्ञान का काम है वो सबरस। तो होता ये कि अलग अलग, विशेषकर सूफी व्याख्यान, सूफी आख्यानों को, ऐतिहासिक आख्यानों पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कवियों ने कविताएं की हैं, और उसका उल्लेख अभी शायद डेढ़ दो महीने पहले हमारे सरकार परमानंद जी पांचाल की एक पुस्तक मैंने देखी है, वो साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है, काव्य संचयन, दक्कनी काव्य संचयन, उसमें इतिहास भी है, साहित्य भी है, उसका मूल्यांकन भी है, लगभग 450 पृष्ठ की पुस्तक है, 400 रुपया दाम है, भारत सरकार की है। तो ऐसी पुस्तक किसी भी विश्वविद्यालयों के कोर्सेस में लगाई जा सकती हैं। अब कोर्सेस की बात करूंगा तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कट्टी मणि साहब को ऐसी भाषा को लेके बैठ गए जो पुराने ज़माने की थी, दहखानी थी, अब उस पर क्या काम है। ऐसा है, आगे दो कदम आगे बढ़ाने से पहले हमको ये जान लेना होगा कि दो कदम पहले का हम कहाँ थे। इसीलिए उसका ज़रूरी है कि कैसे कैसे भाषाओं का ये सांझी संस्कृति का मेल जोल का, दक्कनी उर्दू, दक्कनी हिंदी, ये सब कुछ नहीं होती, दक्कनी दक्कनी है, ये ध्यान देना है कि दक्कनी दक्कनी है। कभी किसी 400 साल के भीतर किसी ने इसको न दक्कनी उर्दू लिखा, न दक्कनी हिंदी लिखा, दक्कनी जरूर लिखा है, फिर वो रेखता बन गई, वो दूसरी भाषाएं रूप बन गई, वो एक अलग मामला। तो ये बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐतिहासिक काव्य, सूफी आख्यान, गद्य भी, राजकिशोर जी ने प्रारंभिक गद्य पर लिखा है, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज के आने से, जो सूफी के बहुत बड़े स्तंभकार थे हमारे यहाँ दक्षिण में, वैसे सूफियों का विभाग बिल्कुल अलग है। एक चीज़ आप सब लोगों को जान लेना होगा कि इस्लाम ने सूफियों को इज्जत नहीं दी, बहुत से लोग सूफी को एंटी इस्लामिक मानते हैं। जितनी दरगाहें हैं हिंदुस्तान में, इस्लामिक कंट्री में नहीं, सवाल ही नहीं है, वहाँ तो मूर्ति पूजा होती नहीं, फिर दरगाह कैसे हुई उसके। वो सब लोग धीरे धीरे जो आख्यान हैं, चाहे वो आपके अवधी भाषा के सूफी व्याख्यान हो, चाहे
दखनी के गुलशन इश्क जो है नुसरती का है वो पहला काव्य है उनका। उसके बाद है अलीनामा, अली आदिल शाह सेकंड, वो ऐतिहासिक काव्य है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो लेखन हुआ है केवल हमको जान लेना ये चाहिए कि जैसे किसी ने बताया कि ऐतिहासिक काव्य में जो परंपरा होती है कि बादशाह सरकार घोड़े पर भागते भागते अलग हो गिर गए, अगर वो शायर गिर गए बोल के लिखता बादशाह को तो बादशाह शायर को गिरा देता। इसलिए वो लिखता क्या, सरकार घोड़े से अलग हो गए। ये मनोवृत्ति कैसी होती है ऐतिहासिक काव्यों में, इस चीज़ की बारीकियों को देखने के लिए आपको इन काव्यों का अवलोकन करना आवश्यक है। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं शायद 1960 तक देखा उस्मानिया में, अब तो अभी हाल हाल में मैं सुना कोई एक मैसूर विश्वविद्यालय से आए हैं एक साहब डॉक्टर मजीद बेदार, अकेला आदमी है जो दखनी वाला है। अब वो ज़माने में तो अलीनामा कोर्स में था, अब तो कोई पढ़ाता ही नहीं दखनी। उस्मानिया जैसी यूनिवर्सिटी में दखनी पढ़ाना बंद हो गया, दखनी क्या है मालूम नहीं। तो हम सब इस स्थान पर आकर के अपनी पुरानी ये सोचिए कि इन भाषाओं को कैसे कोर्सेस में हम लगा सकते हैं, जो कोर्स कंटेंट हैं उसको उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह का अभी प्रारंभ में सुबह सुबह किसी ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी को एक दखनी का चेयर होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। चेयर अगर होगा तो जितने भी हमारे यहाँ मखतूते हैं पांडुलिपियाँ आंध्र प्रदेश मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीछे, कम से कम 400-450 मैन्युस्क्रिप्ट है, अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट की हालत में है, उर्दू में भी नहीं आई। उसका प्रकाशन उर्दू स्क्रिप्ट में हो, उसका लिप्यंतरण हिंदी में हो करके दखनी हिंदी के रूप में हिंदी में प्रकाशन कर, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर हम अपनी धरोहर को बचाना चाहते हैं जो आज पड़ी पड़ी लाइब्रेरियों में सड़ रही है तो वैसी सड़ जाएगी। यदि उसको हम हिफाजत करना चाहते हो, सुरक्षा देना चाहते हो, तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि कैसी भी उन पुस्तकों को बचाया जाए जो आगे के लोगों को काम में आ सके। कुछ कुछ हालांकि मेरा जो विषय है वैसे मैंने इसको व्यवस्थित रूप से नहीं कहा है यहाँ, हाँ ये है कि नौसरहार दखनी में कहीं हरियाणवी शब्द भी मिलते हैं, मेरठ के शब्द भी मिलते हैं, और तेलुगु में आने के बाद पोइरा जाकर आओ, पोई चप्पू जाको बोलो, ये हमारे क्या नाम है खुली खुतुब शाह के इसमें है, बीबो का दोला गांव खेड़े वाला माँ दूल्हे के वास्ते में खाना पकाई, बीबो का बोला दूल्हा बोला बुआ बुआ बोलता माँ, तेलुगु येट्टी कुप्पा गंपा दब्बा पोटा घुड़सी, हमारे यहाँ लड़कों को पोटा पोटी बोलते हैं, ऐसे ग्वालियर में टुर्रा टुर्री बोलते हैं, मथुरा में छोरा छोरी बोलते हैं, यहाँ पोटा पोटी बोलते हैं। ये पोटा जो है पुत्र से आ गया, हाँ मराठी में पोरा पूरी बोलते हैं, ये प्योर दखनी शब्द है। घुड़सी बोंता मंदम, कट्टुटा तेलुगु शब्द से आ गया कट्टा, हुसैन सागर का कट्टा, झाड़ू का कट्टा, कट्टा जो है कट्टुटा बांधना, तेलुगु से आ गए ये शब्द। और उसी तरह मराठी के शब्द कोलसा
फलक यूस है कोलसे का ढिगा, खुलगा बिल्ली को बाघ का कस आएगा, खुलगा हत्ती के काम सारेगा, गवी ये मन लगन सब रस अली नामा इसमें से लिए गए शब्द हैं, जैसे नको हव च ये सब मराठी के शब्द। इसी प्रकार मराठी के दोहे का भी मुहावरों का भी पीठ लगना पाठी लागणे मराठी में पीठ लगना पीछा करना, बारा बाट होना बारा बाटास लागणे, जीव बचना जीव वाचविणे, ये सब शब्द जो है कुछ विशिष्ट शब्द भी है। ज्यादती से ज्यास्त, बदनामी नहीं बदलामी, खेरीज जनावर तकादा मजूरी, ये शब्द ध्यान से सुनिए। काट कसर खबर बातमी, खबर उर्दू है बातमिया मराठी में, दोनों मिला के एक साथ। तोंड जवानी तोंड है ना मुँह, तोंड जवानी खेल तमाशा मलुक परगना, पांडरा सफेद पीड़ा जर्द मगन मस्त, एक शब्द बड़ा विचित्र है जो आ गया मराठी से गम्मत, मराठी से आ गया गम्मत, दकरी शब्द है ये। तो इन चीज़ों का उल्लेख मैंने किया है, ये असल में मैं दाद दूंगा हमारे मोहम्मद तुगलक को, जिसके नाम पे बहुत बड़ा असफलता के नाम पे डंका पीछा जाता है, मगर मोहम्मद तुगलक का काम एक ही हुआ जिससे दखनी पैदा हो गई। धन्यवाद।